ज्यादा खेल घिन वो कम में आते हैं पंचली आया कि पाली खेली आ तो सारा ठीक है अच्छा रहा सब है मैं चलो थोड़ी देर में भी आ ना मेरा है अच्छा क्या कौन है छोड़ दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज जो है वो मैं जो है वो गन्ने उठाने आया हुआ हूँ और मैंने इनको खुद जो है वो छीला है और अब जो है वो हम इनका रस निकालेंगे आप लोगों के सामने। तो ये तो हमने काम कर लिया, अब जो इसके ये जो होते हैं ऊपर वाले पत्ते ये जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये हमारे अब किसी काम के नहीं है तो इनको काट देते हैं। तो ये कट गए तो अब इनको उठा के हम जाएंगे और इनका रस दिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। और अभी जो है मैं गन्ने उठा के जा रहा हूँ और जो हाथ वाली मशीन है जिससे जूस निकालेंगे रस इसका, वो थोड़ी दूर है, अब वहीं मैं जाऊँगा और चलते हैं। हमने वहाँ से ये पानी भरा था क्योंकि जो आगे मशीन है वो थोड़ी मतलब ख़राब हो गई क्योंकि कई दिनों से बंद पड़ी है, तो पहले उसको धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे, फिर जो है और रस निकालेंगे। मशीन पर पहुँच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये हमारे रहे गन्ने और वो रहा पानी, और इसको साफ़ करेंगे और आपको ये दिखाते हैं करीब हो कर के ये मतलब कैसे निकालती है, क्या इसका प्रोसेस। ये अभी गंदी हुई पड़ी है, इसको पानी से अभी धोना है और जूस जो आएगा वो यहाँ से आएगा। बाकी ये जो हैं डंडे इनको फेरना पड़ता है, ये देखें आप, ये एक बंदा ये काम करेगा और बाकी वो जूस निकलेगा, तो आपको सब दिखाते हैं। गन्ने लगा दे गए हैं और मैं जो है अब इनको चक्कर लगाऊंगा ऐसे, तो फिर रस जो है वो निकलेगा। मतलब जब चक्कर लगाए जाते हैं तो इंसान की सांस फूल जाती है क्योंकि बहुत ताकत लगानी पड़ती है इसको चक्कर देने के लिए, और बाद में जो है वो सख्त गन्ने का जूस निकलता है, तो इस तरह से कुछ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और ऐसे व्लॉग्स डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।
गन्ने का रस जो है वो हमने टोटल निकाल लिया है, यही था। और अब इसको लेके हम घर जा रहे हैं, घर जा के फिर इसको पीते हैं और आपको। अभी जो है हम घर आ चुके हैं और इसको छन्नी से छान कर फिर पीते हैं। क्योंकि इसमें जो कचरा होता है वो फिर अलग हो जाता है और फिर पीने का ये फिर पी जाती है ताकि कचरा जो है वो ना जाए। कचरा इतना। अब ये जो है ये आपका भाई पिएगा। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आपने कभी गन्ने का रस पिया है? ज़रूर पिया होगा, और अगर पिया है तो मुझे नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।